तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई। पटना आईजी दफ्तर में करीब 8 घंटे तक चली पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर से बाहर निकले तो वहां मौजूद आरजेडी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मीडिया वालों की भीड़ के बीच तेजस्वी अपनी गाड़ी पर खड़े होकर सभी का हाथ हिलाकर धन्यवाद दिया। बता दें कि रेलवे में लैंडफोर्ड जॉब से जुड़े मामले में सोमवार को पिता लालू प्रसाद से ईडी ऑफिस में 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई थी, जबकि मंगलवार को सुबह 11:30 बजे से ईडी ऑफिस में तेजस्वी यादव से लंबी पूछताछ की गई। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने आज तेजस्वी यादव से तकरीबन 8.5 घंटे तक पूछताछ किया। ठीक हमारे पीछे ये प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कार्यालय है, जहां पर तेजस्वी यादव 11 बजे निकले थे अपने आवास से और 11:30 बजे से पूछताछ की गई थी उनसे शुरू, और 8.5 घंटे तक तेजस्वी यादव से कई तीखे सवाल भी किए गए। और इस दौरान हजारों की संख्या में जो आरजेडी वर्कर्स थे वो यहां मौजूद रहे। हमारी बाईं तरफ रानी सती मंदिर है, जहां पर मीसा भारती से लेकर पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो मनोज झा हों, अब्दुल बारी सिद्दीकी हों या फिर जो दूसरे बड़े नेता थे, वो इसी रानी सती मंदिर में थे। इसके अलावा हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जो थे वो रोड पर मौजूद थे। और जब 8 बजे के करीब तेजस्वी यादव ईडी कार्यालय से बाहर निकले तो कल से आज की तस्वीर बदली बदली सी नजर आ रही थी। कल लालू प्रसाद यादव काफी थक गए थे, 10 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई थी, लेकिन आज तेजस्वी यादव जब निकले तो उत्साह से लबरेज दिख रहे थे, गाड़ी पर चढ़े और उन्होंने कार्यकर्ताओं का जो अभिवादन हो रहा था उसका जवाब भी दिया था हाथ हिलाकर। और ईडी कार्यालय की तस्वीर देखिए, तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं अभी भी ईडी कार्यालय के अंदर मौजूद है। बताया ये जा रहा है कि ईडी के जो अधिकारी हैं वो आज ही रात में फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और उसके बाद जो 2 दिनों की पूछताछ है पहले लालू प्रसाद यादव उसके बाद तेजस्वी यादव से वो पूछताछ खत्म हो चुकी है। आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में राबड़ी यादव और परिवार के दूसरे सदस्यों से भी पूछताछ की जाएगी, लेकिन 2 दिनों तक कल 10 घंटे और आज तकरीबन 8.5 घंटे तक ईडी ने पिता पुत्र से कई तीखे सवाल किए और उसका जवाब जो है उसको रिकॉर्ड कर लिया गया है। आने वाले दिनों में इसी जवाब के आधार पर इन्वेस्टिगेशन भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, News18 पटना। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जब गरीबों की खून पसीने की कमाई कोई लूटेगा तो उन पर ऐसे ही कानूनी कार्रवाई होगी। नित्यानंद राय ने कहा कि लालू प्रसाद के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई बीजेपी सरकार से पहले हुई थी। ईडी कहां जाती है? जहां कानून को ताक पर रखकर गरीबों के खून और पसीने की कमाई को लोग लूट लेता है, भ्रष्टाचार करने वाले लोग जब भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना लेते हैं, वही लालू परिवार जी के साथ।